समझते हैं कि संसार का चिंतन छोड़ करके जो अचिंतन दशा चित्त में बनती है, अभावना अचिंतन अभाव, उसके हम दृष्टा हैं, उसके साक्षी हैं। चित्त शांत है और शांत चित्त से हम दृष्टा हैं और ऐसे दृष्टा हैं कि न करता है, पाप पुण्य हमको नहीं लगता और अभोक्ता है, सुख दुख का भोग भी हमको नहीं होता। और यहां तक कि परिच्छिन्नता की तुलना भी हमको नहीं होती। चित्त की जो अपूर्व दशा है, पूर्णा रहित, उसकी हम साक्षी हैं। उपासना का एक ढंग ये है। दूसरा ढंग उपासना का ये है कि वेदांत में जिस मुक्त शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म का हमने श्रवण किया है, वो ब्रह्म मैं ही हूं, सो हम हंस सो हम। सह माने वेदांत के द्वारा प्रतिपादित ब्रह्म और अहम माने मैं। वेदांत में जिस नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद घन परिपूर्ण अद्वितीय अविनाशी ब्रह्म का प्रतिपादन किया जाता है, वह ब्रह्म मैं हूं। इसको दोहराते हैं, सोहम को दोहराते हैं। और तीसरी प्रणाली ये है कि सत्सद वाक्यार्थ क्या है, मायोपाधिक चैतन्य, और स्वम पद वाक्यार्थ क्या है, अविद्योपाधिक अथवा अंतकरणोपाधिक चैतन्य, और असि जो क्रियापद है वो दोनों की एकता सूचित करता है। क्योंकि वाक्यार्थ जो है उसमें एकता होना शक्य नहीं है, स्वम पद वाक्यार्थ अल्पज्ञ है, तत्पद वाक्यार्थ सर्वज्ञ है, स्वम पद वाक्यार्थ अल्प शक्ति है और तत्पद वाक्यार्थ सर्वशक्ति है। तो वाक्यार्थ में तो दोनों की एकता हो नहीं सकती, इसलिए वेदांत महावाक्य जो हैं वो प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द अनुपलब्धि अर्थापत्ति ऐतिह्य संभावना चेष्टा किसी भी प्रमाण से अज्ञात जो आत्मा की सिद्ध ब्रह्म रूपता है उसको लिखाते हैं और ब्रह्म को आत्मा को अद्वितीय बताते हैं। जहां ये बोध हो गया वहां कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। तो इन तीनों बातों को सामने रख करके मैं थोड़ा उनका तुलनात्मक विचार आपके सामने प्रस्तुत करता हूं।
जिन लोगों को विक्षेप में दुख भासता है वे लोग चित्त के विश्राम को, शांति को या अपूर्णा को या अभान को बड़ा महत्व देते हैं। असल में वो ब्रह्म कैसा है और मैं कैसा हूं इस बात पर उनका ज्यादा जोर नहीं है। ज्यादा जोर इस बात पर है कि ये जो संसार का विक्षेप हमें प्राप्त हो रहा है ये विक्षेप कैसे न कैसे निवृत्त हो जाए। तो योग दर्शन में ये बात बताई हुई है कि वृत्तियों का निरोध कर लो और तुम दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो, और दृष्टा की दृष्टि से देखोगे तो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की जो वृत्तियां हैं उनकी कोई कीमत नहीं है। तो सत्वान्यता ख्याति हो जाने पर तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्णियम, जब मैं दृष्टा हूं प्रकृति और प्राकृत का दृष्टा हूं ये बोध जब हो जाएगा तब सात्विक राजस और तामस वृत्तियों के साथ कोई तृष्णा नहीं रहेगी कि कौन वृत्ति रहे कौन वृत्ति नहीं रहे। तो अभान की स्थिति में बैठ करके दृष्टा हो जाना ये सर्वोत्तम स्थिति हो गई। ये इसमें विक्षेप नहीं है, इसमें संसार की तुलना नहीं है, इसमें वृत्तियों की आवृत्ति नहीं है, चित्त बिल्कुल अभानात्मक है और हम उससे दृष्टा हैं। इसमें अब देखो खामी बताते हैं, खामी क्या है इसमें कि इसमें विक्षेप में तो अरुचि है परंतु आवरण में अरुचि नहीं है। आवरण में अरुचि नहीं है क्योंकि जो अभानात्मक दशा है उसमें विक्षेप का तो अभाव है परंतु आवरण का अभाव नहीं है। और आवरण यदि है, आवरण यदि है तो अज्ञान तो है ही है। हमको शुरू शुरू में किसी महात्मा ने बताया या भान करके और अंतकरण को निर्वृत्त करके वृत्तिहीन करके तुम साक्षी होकर बैठ जाओ। मैं बैठ गया, फिर उठा उनसे पूछा कि महाराज ये तो एक चित्त की दशा थी, तो जिस चित्त की ये दशा हुई कि उसमें विषय की पूर्णा न हो वही एक चित्त हमारा है और बाकी संसार में जो पूर्णा वाले चित्त हैं वे किसके हैं और उनका क्या होता है, क्योंकि एक चित्त का संबंधी एक होगा और दूसरे चित्त का संबंधी दूसरा होगा और तीसरे चित्त का संबंधी तीसरा होगा। तो यदि केवल एक चित्त की दशा सुधार देने मात्र से ही हमें परमार्थ का साक्षात्कार हो गया, परमार्थ तत्व की प्राप्ति हो गई, तो केवल एक चित्त का सुधर जाना ही क्या ब्रह्मत्व का साक्षात्कार है? तो हंस गए, बोले कि नहीं, ये जो एक चित्त की अभानात्मक दशा है और उसके जो तुम दृष्टा हो उस दृष्टा को जब तक अपने आप को जब तक अद्वितीय ब्रह्म नहीं समझोगे
तब तक ये जो आवरण से युक्त और विक्षेप से रहित जो चित्त है, उस चित्त में जो मैं मेरा है, मेरा चित्त बड़ा शांत, मेरा चित्त बड़ा विश्रांत, मेरा चित्त बड़ा अक्लांत, मेरा चित्त समाधिस्थ, ये चित्त के प्रति जो ममता है वो छूटी नहीं, और जो चित्त के प्रति अहंता है वो भी छूटी नहीं। तो ये अहंता और ममता का बाध नहीं होने के कारण आवरण भंग नहीं हुआ। तो इसमें हमारी त्रुटि क्या है? तो उन्होंने कहा कि तत्व जिज्ञासा में जो मंदता है वही इसका हेतु है। तुम परमार्थ तत्व को अनुभव करने की कोशिश नहीं करते हो, चित्त की एक स्थिति में असंतोष मानते हो। तो जहां आभानात्मक दशा में बैठेंगे वहां अद्वितीयता तो आवृत रहेगी, अपना ब्रह्मपना आवृत रहेगा, और आवृत रह रहा है इसका अभिप्राय ये हुआ कि ब्रह्म का अज्ञान बना हुआ है। तो सच्ची जिज्ञासु को ये चाहिए कि अपने आत्मा को पहले अविनाशी काल से अपरिच्छिन्न, परिपूर्ण देश से अपरिच्छिन्न, अद्वितीय माने वस्तु से अपरिच्छिन्न और स्वयं प्रकाश सर्वावभासक चिन्मात्र अखंड तत्व के रूप में अपने को जाने, ये आवश्यक है। अच्छा, आप दूसरी स्थिति पर विचार करते हैं। हम आवृत्ति करते हैं सोहम सोहम, सह का मतलब होता है परोक्ष और अहम का अर्थ होता है अपरोक्ष। अहम प्रत्यक्ष भी नहीं है और परोक्ष भी नहीं है, ये बात आप शास्त्र की भाषा में समझें। ये रूमाल जो है ये प्रत्यक्ष है, वैसे इसमें भी विचार करें हैं तो बड़ी बड़ी गड़बड़ निकलेगी। इसमें जो सफेद रंग लगाया हुआ है वो भी स्वाभाविक नहीं है, लगाया हुआ है। आजकल जो बहुत सफेद कपड़े लोग पहनते हैं ये सफेदी स्वाभाविक नहीं होती है, रंग होता है, दिनोपाल की क्या क्या होता है वो कपड़े में लगा देते हैं, सफेद भी एक रंग है। तो अच्छा, रुई में स्वाभाविक सफेदी माने तो उसमें भी तारतम्य होता है, कोई ज्यादा सफेद रुई होती है, कोई कम सफेद रुई होती है, कोई रंगीन रुई होती है, रुई में भी स्वाभाविक स्वच्छता नहीं है। सच पूछो तो ये सफेद रंग जो है ये रंग है ही नहीं, ये रंगों का मिश्रण है, रंगों का मिश्रण, स्वतंत्र रंग नहीं है। तो ये इसी से शिव को जब सर्वात्मक मानते हैं, सर्वरूप मानते हैं, तब उनको गौर वर्ण का, श्वेत वर्ण का, धवल वर्ण का मानते हैं। क्यों? तो उनमें सर्व का मिश्रण है। तो ये जो अपना अहम है, ये रूमाल की तरह तो आंख से देखा जाने वाला प्रत्यक्ष नहीं है, क्योंकि आंख के सामने नहीं है अहम, आंख के बाहर नहीं है अहम, आंख के पीछे बैठकर आंख से देखता है, और आंख न देखती हो तो आंख को देखता है, और आंख की वृत्ति न हो, रूपाकार वृत्ति न हो तो रूपाकार वृत्ति के अभाव को देखता है। तो ये जो हमारा अहम है वो प्रत्यक्ष नहीं है, तो कहो कि परोक्ष है। तो अपने अहम को कोई दुकान में रख के तो आए नहीं हो, वो स्वर्ग में तो छोड़ आए नहीं, वो कहीं बैकुंठ गोलोक में तो है नहीं, वो तो तुम्हारा अपना मैं है। तो अहम परोक्ष तो कभी होता ही नहीं,
और प्रत्यक्ष भी नहीं होता, तब इसके लिए शास्त्र में शब्द है अपरोक्ष। माने प्रत्यक्ष भी नहीं और परोक्ष भी नहीं, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों से विलक्षण अपना आत्मा अहम। बोले अब ये जो है शास्त्र में वर्णन आता है कि ब्रह्म जो है वो परिपूर्ण है, परंतु हमारा आत्मा तो परिपूर्ण नहीं है। अच्छा बोले भाई ब्रह्म तो अविनाशी है और मैंने तो अपने को अविनाशी देखा नहीं है, कब ब्रह्म तो अद्वितीय है कब मैं तो सद्वितीय हूं, तो आओ भावना के प्रकर्ष से, भावना के उत्कर्ष से ये सोचें कि मैं वही हूं जो अविनाशी ब्रह्म, मैं अविनाशी ब्रह्म हूं, मैं परिपूर्ण ब्रह्म हूं, मैं अद्वितीय ब्रह्म हूं। इस बात को बारंबार दोहराना, इस बात को बारंबार दोहराना ये अहंग्रह, अहंग्रह उपासना है। सोहम एक काल में ही परब्रह्म परमात्मा को परोक्ष भी समझना और उसको अपरोक्ष आत्मा से एक भी समझना, ये जो भावना का उत्कर्ष है, भावना का उत्कर्ष, इसको अहंग्रह उपासना कहते हैं। दर्शन में आत्मेति उपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च, एक सूत्र है, इस ब्रह्म जो है वो हमारी आत्मा जो उपासना है इसमें आवृत्ति होने के कारण तो विक्षेप है और परोक्ष है परब्रह्म परमात्मा, होना ही अज्ञान का लक्षण है। अपने आत्मा के सिवाय किसी अन्य देश में अन्य काल में अन्य रूप में ब्रह्म छिपा हुआ है ऐसा जानना ऐसा मानना यही तो अज्ञान की पूंछ है, अज्ञान का लक्षण है। जब पूंछ दिखे तो पशु की पहचान हो जाती है, तो जब तक ऐसा मालूम पड़े कि अपने से अन्य कोई ब्रह्म है तब तक अज्ञान है। तो अज्ञान आवरण और विक्षेप दोनों है और मल नहीं है इसमें। अब तीसरी स्थिति की कल्पना करो, इसमें भी जिज्ञासा तो है और परोक्ष रूप से ब्रह्म कैसा है ये मालूम भी है, परंतु दृढ़ अपरोक्ष नहीं होने के कारण ये आवृत्ति होती है। तो इसको वेदांती लोग दो तरह से मानते हैं कि परोक्ष रूप से ब्रह्म ज्ञात होवे, अपरोक्ष रूप से भी ज्ञात होवे, श्रवण होवे और मनन होवे, फिर भी विपर्यय की निवृत्ति के लिए जब आवृत्ति करते हैं तब उसका नाम निधिध्यासन होता है, और यदि मनन किया हुआ ठीक नहीं है, परोक्षतया अपरोक्षतया ज्ञात नहीं है, ज्ञान है और दृढ़ता नहीं है, तब तो निधिध्यासन होता है, और यदि ज्ञान भी नहीं है केवल आवृत्ति होती है तब उसको उपासना मानते हैं, अहंग्रह उपासना। वृत्ति की आवृत्ति दूसरी चीज है और अहंग्रह उपासना दूसरी चीज है। श्रवण और मनन दोनों के बाद जो आवृत्ति होती है, माने प्रमाणगत जो संशय है उसको बिल्कुल उसकी निवृत्ति हो जाने पर प्रमेय की अपरोक्ष साक्षात्कार की दृढ़ता में जो कमी है उसको दूर करने के लिए मनन पूर्वक जो वृत्ति की आवृत्ति होती है उसको निधिध्यासन बोलते हैं। और श्रवण तो है परंतु मनन नहीं है, और मनन न होने के कारण संशय विपर्यय का अभी पूरी तरह से निराश नहीं हुआ है, और श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण पर श्रद्धा विश्वास पूर्वक जब आवृत्ति करते हैं तब उसका नाम उपासना होता है। तो उपासना और निधिध्यासन, एक श्रवण और निधिध्यासन के बीच में उपासना,
और एक श्रवण और मनन के बाद निधिध्यासन। मनन के न होने से उपासना हो जाती है और मनन हो जाने से निधिध्यासन हो जाता है। अब इसमें क्या है कि इसमें भी ज्ञान की अदृढ़ता है अथवा तत्व की परोक्षता है। उपासना है तो तत्व की परोक्षता है और आवृत्ति है, आवृत्ति है तो ज्ञान में अदृढ़ता है। क्योंकि आवृत्ति में क्या खामी है, आवृत्ति में खामी यह है कि कर्तापना जो अपने आप में है वो लिपटा हुआ है। जो आवृत्ति करने वाला है वो ये सोचता है कि हम आवृत्ति करते हैं तब होती है और नहीं करें तो नहीं होगी। अगर हम ब्रह्माकार वृत्ति की आवृत्ति न करें तो दुकानाकार वृत्ति की आवृत्ति होगी, या स्त्री पुत्रादि आकार की आवृत्ति होगी, या है ना, या देह धन आदि की आवृत्ति होगी। और यदि हम करेंगे तब ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति होगी। तो इसमें का इसमें क्या खामी हुई का इसमें कर्तृत्व जो है, कर्तृत्व अपने आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है तो त्वम पद लक्ष्यार्थ का ठीक ठीक विवेक नहीं हुआ है। और आवृत्ति से साध्य जो त्वम पदार्थ है वाच्यार्थ, उसी को वृत्ति ग्रहण करती है, लक्ष्यार्थ को नहीं ग्रहण करती है। और दोनों लक्ष्यार्थों में जो एकता है महावाक्य के द्वारा तो उसको भी ग्रहण नहीं करती है। अच्छा, तो इसमें भी जो तत्व ज्ञान की दृढ़ता में कमी है अथवा अपरोक्षता में जो कमी है, ये दो स्थिति है, उसको दूर करने के लिए श्रेष्ठ जिज्ञासा का होना, उत्तम कोटि का जिज्ञासा का होना अपेक्षित है। तो मैंने आपको सुनाया कि अभान दशा में जिज्ञासा मंद है और आवृत्ति दशा में जिज्ञासा मध्यम है। और नारायण, जो सचमुच पदार्थ का शोधन है, पदार्थ का शोधन माने त्वम पद वाच्यार्थ क्या है और तत् पद वाच्यार्थ क्या है, वाच्यार्थ के शोधन के बिना लक्ष्यार्थ का ज्ञान नहीं होता। जैसे हम कहें दो कौर हमारे घर में खा लो, दो ग्रास, केवल दो ग्रास खा लो, तो किसी के घर में गए, थाली आई सामने और दो ग्रास खाया गिन के और निवृत्त हो गए। तो घर वाले ने कहा कि महाराज और खाओ। बोले भाई तुमने पहले दो ग्रास के लिए कहा था, हमने दो ग्रास खा लिया हैं? अब तो तुमने ज्यादा खाने को कहा ही नहीं है तो हम कैसे खाएं? तो प्रार्थना करने वाला कहेगा कि महाराज हमारे दो ग्रास कहने का अभिप्राय तात्पर्य केवल गिन के दो ग्रास खाने में नहीं था, बल्कि दो ग्रास के सहित आप 25-50 ग्रास पेट भर हमारे घर में खाएं, ये हमारा अभिप्राय था। तो इसको वेदांत की भाषा में बोलते हैं अजहत लक्षणा। दो ग्रास का त्याग किए बिना, जहत माने त्याग हो, अजहत माने न त्याग, अत्याग, जो बात कही गई थी उसमें से कुछ छोड़े बिना और अधिक का ग्रहण हो जाए तो उसको अजहत लक्षणा बोलते हैं। दो कौर खा लो और एक जहत लक्षणा होती है। जहत लक्षणा क्या होती है कि अरे भाई
उनकी मृत्यु का समाचार सुन करके तो जैसे हमको बिजली का करंट लग गया हो। और एक बार की बात है, कोई मद्रास के सज्जन थे, आंध्र के, वो विद्यापीठ में पढ़ते थे, काशी विद्यापीठ में। तो हम लोग साथ ही साथ रहते थे, हिंदी का उसका बहुत बढ़िया अभ्यास हो गया था, हिंदी की पत्रिका का संपादन भी करता। तो एक बार हमने चिट्ठी में लिख दिया कि भाई ऐसी खबर हमने सुनी कि मानो बिच्छू डंक मार गया हो। तो उसने डिक्शनरी निकाली और उसमें बिच्छू शब्द देखा और डंक शब्द देखा, तो दोनों का अर्थ उसको आंध्र भाषा में मिल गया, अंग्रेजी में मिल गया। तो अंग्रेजी का भी बड़ा अच्छा पंडित था। अब उसने चिट्ठी लिखी कि तुमको बिच्छू कैसे डंक मार गया, कहां डंक मार गया। तो उसको फिर समझाया कि भाषा के इस प्रयोग को शास्त्र में जहत लक्षणा बोलते हैं। जहत लक्षणा, न वहां बिच्छू है न वहां डंक है, दोनों को छोड़ दो, है ना। गंगायाम घोषा जैसे बोलते हैं ना, गंगायाम घोषा, दोनों को छोड़ दो। बिच्छू के डंक मारने से जैसा दुख होता है, बिच्छू के डंक संबंधी दुख में हमारा तात्पर्य है, अभिधेय में तात्पर्य नहीं है। अभिधेय से संबद्ध जो दुख है उसमें हमारा तात्पर्य है। इसको जहत लक्षणा, शास्त्र की रीति से इसको जहत लक्षणा बोलते हैं। वाच्यार्थ का बिल्कुल परित्याग कर दो और तत्संबंधी का बोध हो जाए, इसको जहत लक्षणा बोलते हैं। तीसरी होती है जहद अजहत लक्षणा, भागत त्याग लक्षणा, जहद अजहत लक्षणा। वो क्या होती है कि कोई बात जब कही जाए तो उसमें से थोड़ा लेना और थोड़ा छोड़ना। जैसे कोई कहे कि अरे भाई ये तो वही आदमी जिनको हमने काशी में देखा था, तो काशी का स्थान अलग था, समय अलग था, वेशभूषा अलग थी, वहां ठंड लग रही थी तो गर्म कपड़ा पहने हुए था, वहां प्रातः काल का समय था, यहां सायंकाल का समय है, वहां बसंत ऋतु थी, यहां शरद ऋतु है। तो कहने का अभिप्राय क्या हुआ कि देश काल वेशभूषा छोड़ करके केवल जो व्यक्ति में एकत्व है उसी को ग्रहण किया जाता है। तो तत्वमसी जो महावाक्य है इसमें इसका अभिप्राय लक्षणा से निकलता है। लक्षणा सब जगह नहीं की जाती, सब जगह अभिप्राय नहीं निकाला जाता। जहां वक्ता का अभिप्राय, जहां वक्ता का अभिप्राय स्पष्ट हो गए वहां लक्षणा निकालने की जरूरत नहीं होती। ऐसे लोग व्यवहार में बड़ी भूल कर बैठते हैं, है ना। आदमी साफ साफ कहे कि आप यहां बैठिए, ऊपर बैठिए, तो बोले कि वो हो आपका अभिप्राय यह है कि हम नीचे बैठ जाए, क्यों, बोले जहत लक्षणा से, है ना। अभिधेय, अभिधेय अर्थ है आपकी गद्दी, और जहत लक्षणा से इसका यह अर्थ हुआ कि हम नीचे बैठे, क्यों, हमको नीचे बैठाना चाहते हो ना। तो जहां बात का साफ साफ मतलब निकलता हो वहां यदि कोई लक्षणा से तात्पर्य अभिप्राय निकालता है तो वह अन्याय करता है, क्योंकि स्पष्टार्थ में लक्षणा नहीं होती। जब अन्वयानुपपत्ति होती है और जब तात्पर्यानुपपत्ति होती है तब वहां लक्षणा से बुद्धिमान लोग अर्थ निकालते हैं। अभिधा वृत्ति से जहां अर्थ होता है तो वहां लक्षणा वृत्ति से अर्थ निकालना अन्याय होता है। तो आपको सुनाया कि जो केवल अभान को स्वीकार करके बैठ जाता है कि हमारी चित्त वृत्ति विक्षिप्त नहीं है,
केवल विक्षेप के अभाव में संतुष्ट हो गया कि मैं विक्षेप के अभाव का दृष्टा हूं। उसने आवरण और अज्ञान का विरोध नहीं किया। आवरण और अज्ञान का विरोध न करने के कारण उसकी जिज्ञासा मंद है। असल में वो ब्रह्म को नहीं चाहता, वो तो विश्राम चाहता है। वो विश्राम का इच्छुक है, ब्रह्मात्मयी के बोध का इच्छुक नहीं है। तो जो अभान को लेकर के बैठेगा उसकी परिच्छिन्नता का भ्रम कभी दूर नहीं होगा, क्योंकि वो आवरण और अज्ञान दोनों का विरोधी नहीं है, केवल विक्षेप का विरोधी है। और विक्षेप का नाश हो जाने से परमार्थ की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि सुषुप्ति में भी विक्षेप नहीं होता है तो क्या परमार्थ की प्राप्ति हो जाती है? क्या समाधि में विक्षेप नहीं रहता तो परमार्थ की प्राप्ति हो जाती है? परमार्थ का तो जिस वस्तु का अनुभव होता है, ज्ञान उसमें व्याप्त होता है, तब उस वस्तु का अनुभव होता है। जब हमारे ज्ञान की वृत्ति व्याप्ति ब्रह्म के साथ होगी तब अज्ञान का निवारण होगा, आवरण का निवारण होगा। जब तक वृत्ति व्याप्ति नहीं होगी तब तक प्रपंच के विक्षेप का निवारण होने मात्र से ही, विश्राम या शांति होने मात्र से ही, या आभान का साक्षी होने मात्र से ही अज्ञान और आवरण का भंग नहीं हो सकता। और यदि हम केवल सोहम 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 इसकी आवृत्ति करते रहे तो इसमें स्व में जो परोक्षता है और अहम में जो अपरोक्षता है, ये जो बिल्कुल स्पष्ट रूप से दोनों का भेद है, उसको हम भावना के बल से, उसको हम अपने कर्तृत्व के बल से नहीं मिटा सकते। क्योंकि जहां उपासना होगी वहां कर्तापन जरूर होगा, जहां आवृत्ति होगी वहां कर्तापन जरूर होगा, और कर्तापन में परिच्छिन्नता होगी, और परिच्छिन्नता जो है वो भ्रांति है, कब वो अध्यास है। कई अध्यास की निवृत्ति बिना अज्ञान की निवृत्ति हुए नहीं हो सकती। इसलिए पहले आपको सुनाया कि अहंग्रह उपासना में जिज्ञासा और जिज्ञासा की शांति दोनों है, एक तो अहम और सत, सह और अहम, ये दोनों जो हैं इसमें सह परोक्ष है और अहम अपरोक्ष है। परोक्षा परोक्ष के मिश्रण से, परोक्षा परोक्ष के मिश्रण से उपासना चलती है। इसमें तत्पदार्थ भी है, और अभान में तत्पदार्थ नहीं होता। अभान में तत्पदार्थ नहीं होता, केवल स्वयं पदार्थ ही साक्षी के रूप में होता है। और तत्त्वमस्यादि महावाक्य का जब विचार होता है तो उसमें अहम पदार्थ और तत्पदार्थ दोनों होता है। अब वहां वाच्यार्थ में तात्पर्य नहीं है, तात्पर्य लक्ष्यार्थ में है। बोले भाई ये लक्ष्यार्थ में तात्पर्य कैसे हो गया? एक आदमी ने कहा कि भोजन तो आप करेंगे, तो बोले वाह वाह वाह, तुम्हारी वक्रोक्ति मालूम पड़ती है, तुम सोचते हो कि भोजन तो आप करके ही आए होंगे, हम नहीं करेंगे तुम्हारे घर में भोजन। तो जहां अभिधेय अर्थ से काम चलता हो वहां लक्ष्यार्थ, जहां वाच्यार्थ से काम चलता हो वहां अभिधेय से संबद्ध लक्ष्यार्थ की कल्पना करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब आओ ये विचार करना कि महावाक्य में लक्षणा करने की क्या जरूरत है। बोले इसमें असी नाम का एक पद है, असी या अहम ब्रह्मास्मि में अस्मी, उत्तम पुरुष में अस्मी है, और तत्त्वमसि में असी में मध्यम पुरुष है, और अस्मी में उत्तम पुरुष है। ये अस्ति में प्रथम पुरुष होता है, अस्ति असि और अस्मी। तो वह ब्रह्म है, इसके लिए तो अस्ति पद का प्रयोग करेंगे, और तुम ब्रह्म हो इसके लिए असि पद का प्रयोग करेंगे, और मैं ब्रह्म हूं इसके लिए
अस्मि पद का प्रयोग करेंगे। अभी अस्मि असि जो क्रिया वचन है ये एक वचन है, एक वचनांश है, और ये कहता है कि तत् त्वम् असि, तुम वह हो। ये नहीं कहा जाता कि हे वह तुम हो, ये अभिप्राय नहीं है उसका, है ना। तत् तत् त्वम् अस्ति ये बहुवचन नहीं है, वह तुम है ऐसा नहीं। ये असि क्रिया के बल से ये बात निकलती है कि तुम वह हो। तो एक ज्ञात व्यक्ति जो है त्वम पदार्थ, वो एक अज्ञात सत पदार्थ कैसे हो सकता है? तो इसके लिए सत और त्वम का विवेक करना पड़ता है, क्योंकि जो तत् है वो त्वम नहीं हो सकता और जो त्वम है वो तत् नहीं हो सकता। जो हमारे सामने है खड़ा आदमी वो विलायत में नहीं हो सकता और जो विलायत में है वो यहां नहीं हो सकता। जो आज है वो 5000 बरस पहले नहीं हो सकता, जो 5000 बरस पहले था वो आज नहीं हो सकता। जहां देश और काल का व्यवधान है वहां दोनों की एकता कैसे हो सकती है? तो एक तो है सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, और एक है अल्पज्ञ और अल्पशक्ति, दोनों एक कैसे हो सकते हैं? कोई खुद्दू रमजान और गामा पहलवान, बोले दोनों एक कैसे हो सकते हैं? कि दोनों के लिए दोनों, जब दोनों को एक बताया जाएगा तो किसी अभिप्राय से बताया जाएगा। एक पहलवान का शरीर है वो बहुत बड़ा है, मोटा है, तगड़ा है, शक्तिशाली है, और एक कमजोर कोई सीखिया पहलवान है ना, देखने में बिल्कुल सीख। तो जब दोनों को एक बताएंगे तो कोई न कोई अभिप्राय उसमें होना चाहिए कि किस अभिप्राय से एक बता रहे हैं। अब देखो, आपको एक सीधी बात सुनाता हूं। जैसे आप रूमाल के दृष्टा हैं तो रूमाल से न्यारे हैं, घड़े का दृष्टा घड़े से न्यारा होता है, रूमाल का दृष्टा रूमाल से न्यारा होता है, और आप प्रत्यक्ष के भी दृष्टा हैं, अनुमान के भी दृष्टा हैं, उपमान के भी दृष्टा हैं, शब्द के भी दृष्टा हैं, अर्थापत्ति अनुपलब्धि के भी दृष्टा हैं, ऐतिह्य संभावना चेष्टा सबके दृष्टा हैं, भाव के दृष्टा हैं, अभाव के दृष्टा हैं, भावाभाव के दृष्टा हैं, भावाभाव विलक्षण के दृष्टा हैं, ओह ठीक है बिल्कुल दृष्टा है, दृष्टा है, दृष्टा है, ये बात हमने मान ली, बिल्कुल ठीक है। परंतु ये रूमाल जिसके आप दृष्टा हो गए, वो रूमाल क्या है? इस पर आपने कभी विचार किया? तो रूमाल को बोलते हैं प्रमेय। शक्ति जिस पदार्थ में है वो भी कोई चीज होनी चाहिए। इसी प्रकार जिस चीज के आप दृष्टा हो गए हैं, जितना प्रमेय है, जितना दृश्य है, उसकी जो मूल शक्ति है संपूर्ण प्रपंचाकार में परिणत होने वाली, जो मूल शक्ति है, मूल शक्ति वो हुआ, वो शक्ति जिसमें है उसको बोलेंगे शक्तिमान। और ये जिन प्रमाणों के आप साक्षी बने हैं, जिन प्रमाणों के, नेत्र, श्रोत्र, त्वचा, नासिका, रसना, है ना, मन, अंतःकरण, जिन वृत्तियों के आप साक्षी बने हैं, जिन वस्तुओं के साक्षी बने हैं, उनके मूल में तो है शक्ति, और सर्व वस्तुओं की शक्ति, और जिन इंद्रिय वृत्तियों के आप साक्षी बने हैं उनके मूल में है सर्व ज्ञान, बोला सर्व ज्ञान उसको बोलते हैं। तो अब उस तत्व की तरफ दृष्टि दो कि एक जुए से लेकर के और ब्रह्मा तक में जितनी शक्तियां हैं उनका खजाना, और ब्रह्मा से लेकर के जुए तक में जितनी इंद्रियां हैं
उनका खजाना तो इंद्रिय वृत्तियों का, प्रमाण वृत्तियों का जो खजाना है उसको कहेंगे सर्वज्ञ नारायण। और जो शक्तियों का, आकृतियों का जो खजाना है, जो बीज है, उसको कहेंगे सर्वशक्ति। तो सर्वशक्ति और सर्वज्ञान ये समाधि में दोनों एक हो जाते हैं। इसलिए जगत के मूल में ये सारी शक्ति और सारे ज्ञान का जो खजाना चैतन्य है उसको ईश्वर बोलते हैं। और ये जो अंतःकरण के अवच्छेद से बैठा हुआ प्रमाता बना हुआ है, अवच्छिन्न प्रमाता, अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य, ये प्रमाता है ये नारायण। ये और वो तो बताते हैं कि दोनों एक है। जो घड़े के भीतर आकाश है वही मकान के भीतर है, जो चैतन्य जुए में है वही ब्रह्मा में है, जो तुम में है वही मुझ में है, जो अल्प में है वही सर्व में है। जो अल्प शक्ति का एक इंद्रिय अंतःकरण का जो प्रमाता है वही संपूर्ण इंद्रिय अंतःकरणों का प्रमाता है, और जो एक शरीर और आकृतियों का निर्माण जिसमें हुआ है तो उसी में संपूर्ण विश्व प्रपंच का निर्माण हुआ है। तो शक्ति और वृत्ति, शक्ति और वृत्ति दोनों को, प्रमाण वृत्ति और प्रमेय द्रव्य, इन दोनों का परित्याग करके जो एक रस अखंड चैतन्य है उसमें दोनों की एकता है। वो चैतन्य खंड में भी है और पूर्ण में भी है। तो खंडावच्छिन्न चैतन्य भी वही है और पूर्णावच्छिन्न चैतन्य भी यही वही है, इसलिए उसको अखंड चैतन्य बोलते हैं। तो उसका नाम होता है ब्रह्म। वो ब्रह्म कैसा है कब देखो, काल माने दिन और रात और वर्ष और संवत्सर और मन्वंतर और कल्प और महाकल्प आदि, ये काल और काल की अवयव जो सबका खजाना है बैठ करके ईश्वर के रूप में, और जीव के रूप में जो सबका दृष्टा है, जो संपूर्ण ज्ञानों का निधान है समष्टि के रूप में, जिसको तुमने दृश्य कहकर छोड़ दिया था, जिसको तुमने दृश्य कहकर छोड़ दिया था, उस दृश्य का जो बीज है, उस दृश्य में जो बुद्धि और जड़, जो ज्ञान और जड़ दोनों जो दृश्य में हैं, प्रमाण और प्रमेय, उन दोनों की जो मूलभूत वस्तु है, देश से अपरिच्छिन्न परिपूर्ण, काल से अपरिच्छिन्न अविनाशी, द्रव्य से अपरिच्छिन्न अद्वितीय, जो अखंड चैतन्य है वही तुम हो। अब ये ज्ञान होने के बाद विशेषता क्या आवेगी, किसकी, अब इसको विचार बोलते हैं। जो अभी मैंने बताया इसका नाम विचार है। तो एक होती है शांति दशा, जिसमें आप दृष्टा बन के बैठ जाते हैं, वो केवल प्रत्यक्ष चैतन्य प्रधान आत्म प्रधान है। और एक होती है आवृत्ति, वो उभय पदार्थ प्रधान है, हो उसमें सोहम हंस सोहम वह मैं वह, ये उभय पदार्थ प्रधान है, और इसमें ईश्वर अज्ञात है और जीव करता है आवृत्ति में, और अभान में जीवात्मा दृष्टा तो है, परंतु जिस दृश्य को अभान दशा में छोड़ दिया है उसके मूल कारण का अज्ञान बैठा हुआ है और अपनी अद्वितीयता का अज्ञान बैठा हुआ है। और ये तीसरी प्रणाली जो है ये विचार की प्रणाली है, बोला इसको बोलते हैं वेदांत विचार, इसका नाम तत्वमस्यादि महावाक्य, ये वेदांत। तो आवृत्ति जो है वो उपासना के सिद्धांत से प्रभावित है, और अभान जो है वो योग के सिद्धांत से प्रभावित है। वो शुद्ध वेदांत नहीं है, उसमें योग का असर है कि ऐसा समाधि लग गई, दुनिया छूट गई, सुख दुख भूल गया, मैं दृष्टा बन के बैठा हूं, जा रे जा दुनिया, तेरा चाहे जो कुछ हो, है कि नहीं है, इससे हमारा क्या मतलब है ना, विचार से कतरा करके
गुफा में दुब के बैठे हैं, और आवृत्ति वाले जो हैं उसमें जीव और ईश्वर दोनों पदार्थ की प्रधानता है, परोक्ष अज्ञात अथवा अदृढ़ ज्ञात ईश्वर है और अपना आपा जो है करता है, उसमें दोनों में घुल मिल करके बातचीत हो रही है, वो उपासना से प्रभावित वेदांत सिद्धांत है, और पहला योग से प्रभावित वेदांत सिद्धांत है, और ये जो तत्वमस्यादि महावाक्य के द्वारा निर्णीत तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ की एकता का ज्ञान है ना, ये वेदांत की अपनी प्रक्रिया, शुद्ध प्रक्रिया, इसमें अध्यारोप और अपवाद करके अध्यास का निवारण और अध्यास के मूल अज्ञान का निवारण, ये मुख्य है। अच्छा, अब इसमें विशेषता क्या आवेगी? विशेषता ये आवेगी कि न तो इसमें अभान करके प्रपंच का दृष्टा बन के बैठने की जरूरत पड़ेगी, समाधि लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? कि वो जो दृश्य है, जिसका भान अभान भी असल में दृश्य ही है, वहां भी दृश्य छूटा नहीं है, अभान का दर्शन हो रहा है, अभान भी दृश्य है, तो भान और अभान दोनों मिथ्या हो जाएंगे। इसलिए समाधि लगे तो भला और विक्षेप होवे तो भला, प्रपंच का भान होवे तो भला, अभान होवे तो भला, जीवन मुक्त की स्थिति हो जाएगी, दोनों में समरस। और आवृत्ति जो है वो करने की बिल्कुल जरूरत नहीं रहेगी, बिल्कुल ये जरूरत नहीं रहेगी कि जो मैं हूं तो वो है, जो वो है तो मैं हूं, ये बात दोहराने की भी जरूरत नहीं रहेगी। तब लक्ष्यार्थ की एकता का ज्ञान हो जाने से जो सहज स्थिति है नारायण, जो सहज स्थिति है वो प्राप्त हो जाती है। सहज स्थिति में तो सोवत बैठत पड़े उताने, कहे कबीर हम वही ठिकाने। तो जीवन मुक्त लोग जो सहज स्थिति में रहते हैं, वो प्रपंच का अभान करके कोई जोगी बाबा बन के नहीं रहते हैं, और वो किसी उपासक की तरह हर समय मन में माला फेर रहे हैं, हंस सोहम सोहम हंस कहिए नहीं, अजपा जब भी नहीं करते रहते हैं। उनकी सहज स्थिति होती है, माने जैसे वो हैं वैसे ही वो परमार्थ स्वरूप हैं, उसमें कुछ करना कराना अवशेष नहीं रहता, क्योंकि कर्तापन भोक्तापन कर्म और भोग्य और भोग के करण और कर्म के करण और व्यष्टि और समष्टि, सर्वज्ञता और अल्पज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता अल्पशक्तिमत्ता, जीवत्व ईश्वरत्व, सारा का सारा इस अखंडार्थ ज्ञान से बाधित हो जाता है। कि आजकल वेदांत के नाम पर बहुत नकली माल बिकता है ना, जैसे दवा के नाम पर नकली दवाएं बिकती हैं, वैसे वेदांत के नाम पर बिल्कुल नकली माल बाजार में आ गया है। जिन्होंने कभी वेदांत का श्रवण नहीं किया है, सोचा नहीं है, समझा नहीं है, वो कहीं इधर उधर के व्याख्यानों में से थोड़ा थोड़ा पढ़ के रख के, और वो कहते हैं कि ऐसा करना वेदांत है और वैसा करना वेदांत है, और वो व्यक्तित्व का पोषण करते हैं, जहां व्यक्तित्व और जातित्व, जहां व्यष्टि भाव और समष्टि भाव, जहां सर्वज्ञता और अल्पज्ञता दोनों व्यावहारिक रूप से रहते हुए भी पारमार्थिक रूप से बाधित हो जाते हैं, का उस वस्तु स्थिति का निरूपण जो है वो कम हो गया। तो कम से कम सुनने वालों के मन में ये संस्कार भी रहे कि एक वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ का विवेक होता है, और वो अहंग्रह उपासना से अथवा सोहम से अथवा अभान के दृष्टा से एक विलक्षण स्थिति है, कि इस बात का कभी संस्कार बना रहे तो उत्तम जिज्ञासा का, मंद जिज्ञासा में तो चुपचाप बैठ जाएंगे, और मध्यम जिज्ञासा में आवृत्ति करने लगेंगे, और उत्तम जिज्ञासा में पदार्थ के ज्ञान का प्रयत्न करेंगे, कि इस संस्कार कम से कम इसका बना रहे, इसका लोप नहीं होवे, है ना, इसका लोप नहीं होवे। इसके लिए मैं ये बात सुना रहा हूं कि ये भी एक प्राचीन दृष्टिकोण है,
और इतना उत्तम दृष्टिकोण है, इसमें ये कोई जाति की बात नहीं है, ये समाज की बात नहीं है, ये वर्ग की बात नहीं है, ये प्रांत या राष्ट्र की बात नहीं है, बोला ये क्या नाम है, मानवता की बात भी नहीं है, ये मानवता की बात भी नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीयता की बात भी नहीं है, ये अंतर ब्रह्मांडीयता की बात भी नहीं है, और ये अंत प्रकृति की बात भी नहीं है, और अंतर प्रकृति की बात भी नहीं है। ये तो एक यथार्थ सत्य जो है, मनुष्य अपने संस्कार से, अपने आग्रह से, अपनी जानकारी से, अपनी छोटी छोटी जानकारी से इतना बंधा हुआ है कि अद्वैत सत्य की ओर से वो विमुख हो गया है, वंचित हो गया है। तो भले अद्वैत का ज्ञान नहीं हो, पर अद्वैत का ज्ञान कैसा होता है उसका संस्कार बना रहे, है ना। एक महात्मा कहते थे कि भाई हम लोग, है ना, हम लोग तो वेदांत के पहरेदार हैं। पहरेदार का मतलब यह है कि नई नई बातों के चक्कर में पढ़ करके ये इतना जो उदात्त दृष्टिकोण है, उत्कृष्ट दृष्टिकोण है, जिसमें किसी प्रकार का भेद भाव ही नहीं, इतने ऊंचे दृष्टिकोण को लोग भूल न जाएं, है ना, ये समझें कि इसका भी आविष्कार हुआ है, अनुभव हुआ है, इसलिए इस बात को सुनाते हैं। ओम शांति शांति।